उनकी अनुमति लेकर मैं मजाक कर रहा हूं, परंतु सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव एक समस्या है। जैसा मैंने कहा था मावरकर जी को कि आपने धनंजय कीर जी की पुस्तक लिखी क्या, वो एक ऑथेंटिक किताब है, वेल रिसर्च किताब है, उस समय वो एक ही थी और आज दो हो गई है, विक्रम संपत जी ने दो वॉल्यूम लिखे हैं, ये तीसरी है। तीनों का ढंग अलग अलग है। धनंजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है, विक्रम संपत जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कमेंट्री है। लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यकता सबसे अधिक अपने देश को है, उसको एक सारांश के रूप में लेकिन विथ स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च, ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है। तो ये तीनों पुस्तकें जिनको सावरकर जी का अध्ययन करना है, उनको एक कंपलसरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे, हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था, इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा, क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने, क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है, और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और स्वाभाविक है वो विचार मानवता का ही है, उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। अब धर्म यानी पूजा मानेंगे तो वो तो जोड़ता नहीं है, पूजा है अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, उससे विशिष्ट आइडेंटिटीज बनती है, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए, लेकिन भारतीय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है, जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला, प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंदमय और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण कर देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है, सर्वदूर चलता है। अब ये विद्वानों की बात हो गई, अगर आज की भाषा में समझाना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि मानवता या संपूर्ण विश्व की एकता। सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया, उसको एक अलग शब्द हिंदुत्व दे के प्रतिपादित क्यों किया गया, उसके पहले नहीं हुआ था, या हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते तो भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि कोई अलग बात हो गई। सर सैयद अहमद खान के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है, पाकिस्तान की कल्पना का
मुस्लिम असंतोष के जनक उनको कहा जाता है। लेकिन उसके पहले की बात है, जब वो बैरिस्टर बने लाहौर में, आर्य सभा के द्वारा उनका अभिनंदन हुआ, भाषण उपलब्ध है वहां, वक्ता ने परिचय दिया उनका, परिचयकर्ता ने, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर हो गए हैं, मुसलमानों में ये पहले है, इसलिए इनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया, वो हमारी पूजा का निर्देश करने वाला शब्द है, लेकिन इस्लाम से हमने पूजा ली तो क्या हुआ, हम भारत माता के पुत्र नहीं है क्या, हमको आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या। भारतीय जनमानस की ये स्थिति थी, लेकिन कट्टरपंथ की हवाएं चली, और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ, जिसने चक्का उल्टा घमाया। इसलिए जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं। हमारे यहाँ हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गार्दी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए, सेना के वीरों में सबके नाम है, अशफाकउल्ला खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम मिश्रा बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहां पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहां के स्कूलों को देने की एक योजना चली है, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम, मातृभूमि हम नहीं बदल सकते। जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है, उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है, उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। वही हिंदुत्व है, उसका पहले उद्घोष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सावरकर जी ने भी कब किया, सन 1857 का स्वातंत्र समर उन्होंने लिखा, पहले कारणों की मीमांसा की और बाद में कैसा शुरू हुआ स्वातंत्र समर, इसका जो वर्णन है उसको पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर, दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो गए। अभी अभी गाजियाबाद में एक पुस्तक का मैंने विमोचन किया था, तो उस पुस्तक के लेखक ने कहा कि वो जो माहौल था वो हमने आगे होने नहीं दिया, ये हमारी गड़बड़ हो गई, खिलाफत ये दूसरी गलती हमारी है, मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। ये माहौल बना था, लेकिन उसको फिर वहाबियों के प्रभाव ने बदल दिया, और अंग्रेजों को ध्यान में आया कि हम यहाँ आश्वस्त नहीं रह सकते कभी भी, यहाँ के सब लोग, इनकी भाषाएं अलग है, प्रांत अलग है, पूजाएं सब कुछ अलग है, और बाहर से भी आई पूजा एक है यहाँ पे, फिर भी हमारे खिलाफ सब एक होके हमको यहाँ से भगा देंगे। अगर हमको यहाँ स्थिरपद होकर राज्य करना है, इस देश की लूट को चालू रखना है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो अनेक विभाजन उन्होंने खड़े किए उसमें एक ये विभाजन भी, जो कट्टरपंथ के कारण बनना शुरू हो गया था, उन्होंने उसको और चौड़ा किया।
इसका अनुभव सावरकर जी ने अंडमान के जेल में लिया। उनका हिंदुत्व ये जो ग्रंथ है वो अंडमान से वापस आने के बाद लिखा गया है, क्योंकि जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहां हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, आपकी पूजा अलग है, तब ये जोर से कहना पड़ा कि पूजा के आधार पर भेदभाव न करने वाली यहां की राष्ट्रीयता है वो हिंदू राष्ट्रीयता है और इसलिए हम अलग नहीं है। लोग गुंडागर्दी का सहारा लेके और इसको गले उतारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ा। सावरकर जी द्वेष्टा नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी तो जिस भाषा में जो बात समझ में आती है उस भाषा में उसको बोलना पड़ता है। अपनी बात समझाने के लिए या शास्त्रार्थ करने के लिए जब लोग बोलने लगते हैं तो आवाज तपती है ना, वो शत्रु थोड़ी है। हमारे संसद में क्या होता है, मारपीट ही नहीं होती बस, बाकी तो सब होता ही है, लेकिन बाहर आने के बाद एक ही जगह चाय पीते हुए सब मिलते हैं, हंसी मजाक सब चलते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे के घर जाते आते हैं, तो ये सब समझते हैं कि उस परिस्थिति में उस प्रकार की बात होती है। सावरकर जी का हिंदुत्व, विवेकानंद का हिंदुत्व, इनका हिंदुत्व, ये ऐसे बोलने की फैशन हो गई। हिंदुत्व एक ही है, वो पहले से है और आखिर तक वही रहेगा, वो सनातन है। सावरकर जी ने उसका उद्घोष जोर से करना आवश्यक समझा परिस्थिति को देखकर, और हम जानते हैं अब इतने वर्षों के बाद स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर दहलीज पर खड़े होके हम जब परिस्थिति को देखते हैं हमको ध्यान में आता है कि वो जोर से बोलने की तब भी आवश्यकता थी, सब बोलते तो शायद विभाजन नहीं होता, क्योंकि जिनको समझाया जा रहा था हमारे देश में कि आप अलग हो, आपकी पूजा आप अलग रहो नहीं तो ये खा जाएंगे आपको, यही डर भरा गया ना उनको, हमको ये समझाना था कि भाई इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं है, बाकी सारे देशों में ऐसा हुआ है दुनिया में, लेकिन हमारे यहां तो विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, भूमि हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, ऐसा हमारा देश है। यहां जितने आए उतने विद्यमान है और सब चल रहे हैं और सबका स्वागत है, स्वीकार है, इसलिए अलगाव की बात मत करो, विशेष अधिकारों की बात मत करो। एक बार प्रमोद जी महाजन नागपुर में आए और पहली बार नागपुर के मोमिनपुरे में उनका कार्यक्रम रखा गया, सार्वजनिक भाषण, बीजेपी के प्रति कुतूहल लोगों का जाग रहा था। मैं तो बीजेपी में काम वगैरह करता नहीं हूं, किया नहीं है, लेकिन मैं संघ का प्रचारक हूं तो समाज में क्या चलता है मेरे कान पर आता, और मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था। तो सिलेक्टेड मुसलमानों के बुद्धिजीवी ऐसे 750 लोगों को बुलाया था, 1200 लोग थे उस सभा में बुलाए, वो तो सब आए ही थे। प्रमोद महाजन ने वह विषय रखा कि देखो हम राम मंदिर वाले हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमको आपके वोटों की बिल्कुल आशा नहीं है, तो ये सभा आपको आपके वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है, हम क्या सोचते हैं वो बताने के लिए, हम आपको वोटर के नाते देखते ही नहीं, हम आपको अपने देश के एक नागरिक, हमारे भाई के नाते देखते हैं, और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सूखी रोटी हम खा रहे तो हम आधी आपको देंगे, आधा आधा बांटकर खाएंगे, हम ये भी कहते हैं कि हम सूखी खाएंगे और आपको जली भी देंगे, ये होगा नहीं, और आप खाने में हिस्सेदार जरूर हो, कोई आपका हिस्सा नकार नहीं सकता, वैसे आप कर्तव्य के भी भागीदार हो, उसका हिस्सा आप नहीं नकार सकते, इसको आपको मानना है तो मानो, बाकी लोग आपको वोटर वोटर खुशामत करके पीठ में छुरा भूकने वाले लोग हैं, हमारी भाषा सरल है, हम क्या करने वाले हैं बता रहे थे, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है, वेल बींग ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सावरकर जी ने यही कहा था, स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी उसमें जैसे
जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी। एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य होती हुई हमने अनुभव की है। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा। एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने, अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों ना कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए। और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे, इसलिए कोई कुछ कर रहा है नहीं, चुप रहो क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है, ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है, ये अपने देश के